के लिए मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया है, लग रहा है थोड़ा कम पड़ेगा तो मैं डाल रही हूँ पहले। वैसे तो सबको आता ही है पोहे बनाना, पर मैं स्पेशली मेरे फ्रेंड के लिए बना रही हूँ ये ब्लॉग। तो ये मैंने थोड़ा सा सरसों डाला है और बाद में नीम के पत्ते, इसको बोलते हैं कड़ी पत्ता, और बाद में मैं डालूंगी 2 हरी मिर्च ली थी वो मैंने डालूंगी। और इसके बाद थोड़ी सी हल्दी, आपको जितना अच्छा लगे उसके हिसाब से आप डाल सकते हो। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देते हैं। आलू पक गए हैं, अभी मैं टमाटर डाल देते हैं। आपको लगे कि थोड़ा पक गया है तो बाद में उस पर पोहे डाल दो। तो मैं भी पोहे डाल रही हूँ। पोहे को मैंने भिगो दिया था 5 मिनट तक, और फिर इसको कर लो पर आज स्पेशली उसके लिए मैंने पोहे बनाए हैं। और
ब्लॉग पसंद आ रहे हो तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप जो मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। तो टाटा, बाय बाय, जय सोमनाथ, जय मोगल।